गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीरदास जी कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी संसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती है। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है। ये वही देश है जहां गुरु द्रोणाचार्य के कहने पर एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु को दे दिया था। दोस्तों, अगर आप अपने गुरु का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप अपने गुरु से कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ उन्हें सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है। और इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो समय समय पर कुछ ना कुछ नया सीखता रहता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे और भी अधिक शिक्षा ग्रहण करनी है। राजा को पढ़ाने के लिए नगर के सबसे अच्छे गुरु को बुलाया गया। राजा को उस गुरु से पढ़ते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को उस पढ़ाई से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। राजा इस बात को लेकर बहुत ही परेशान था। वह अपने गुरु के योग्यता के ऊपर भी सवाल नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसके गुरु पूरे नगर में अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा ने यह बात अपनी रानी को बताई। रानी ने राजा से कहा, आप ये सवाल अपने ही गुरु से क्यों नहीं पूछते। राजा ने एक दिन हिम्मत दिखाते हुए अपने गुरु से कहा, क्षमा करना गुरुजी, मैं बहुत दिनों से आपसे शिक्षा ले रहा हूँ, मगर मुझे कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। गुरु ने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन तुम्हें अपने बड़े होने का अहंकार है, जिसके कारण तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। राजा ने गुरुजी से पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यह सुनकर गुरु बोले, हे राजन, आप मुझसे हर प्रकार में बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के कारण मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, लेकिन आप अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और मैं नीचे आसन पर बैठकर आपको शिक्षा दे रहा हूँ। इस एक छोटे से कारण ही आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है, और आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। राजा ने अपनी गलती मानी और उसने अपने गुरु को ऊंचा स्थान देकर शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया, और इसके बाद राजा को उस शिक्षा से लाभ भी मिलने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान, चाहे रिश्ते नाते पद या धन के कारण कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वह अपने गुरु को सही स्थान नहीं दे रहा है तो वो कभी भी गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए गुरु को सम्मान देना आवश्यक है और उनका आदर करना
जरूरी है, तभी हम अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी टीचर्स टू ऑल।